नमस्कार दोस्तों, उत्तम इंग्लिश स्पोकन में आपका स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। एक एक वर्ड मीनिंग को हम एक्सप्लेन किए हैं सेंटेंस के साथ विद पिक्चर। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपका 10 वर्ड मीनिंग याद हो जाएगा और उससे रिलेटेड सेंटेंस भी याद हो जाएगा विद पिक्चर के साथ, क्योंकि बहुत सारे वर्ड मीनिंग आता तो है लेकिन कहाँ पे यूज़ करें ये नहीं पता है। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिसमें हर आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला वर्ड मीनिंग है वो है ट्रिब्यूट, TRIBUTE, ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट मीन्स होता है श्रद्धांजलि देना। चलिए समझते हैं, पिक्चर को भी देखते हैं। वो श्रद्धांजलि दे रहा है, सेंटेंस है वो श्रद्धांजलि दे रहा है, तो इंग्लिश में बोलेंगे ही इज पेइंग ट्रिब्यूट। क्या बोलेंगे? वो श्रद्धांजलि दे रहा है, तो इंग्लिश में बोलेंगे ही इज पेइंग ट्रिब्यूट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मिलिट्री, MILITARY, मिलिट्री। मिलिट्री मीन्स होता है सेना। पिक्चर को देखते हैं, वे एक सैन्य अभियान पर है। वे बोले या वे लोग, चीज एक ही है। वे लोग एक सैन्य अभियान में है तो हम बोलेंगे दे आर वॉन अ मिलिट्री ऑपरेशन। क्या बोलेंगे? दे आर वॉन अ मिलिट्री ऑपरेशन। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्स, FORCE, फोर्स। फोर्स मीन्स होता है बल। पिक्चर को देखते हैं और समझते हैं, उसने बल से मुक्का मारा, तो इंग्लिश में बोलेंगे ही पंच्ड इट विथ फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं, कल्चर्स, CULTURES, कल्चर्स। तो सेंटेंस को देखते हैं, भारत में कई संस्कृतियां हैं। यस, भारत में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग संस्कृतियां हैं, कल्चर्स हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इंडिया हैज़ मैनी कल्चर्स। भारत में कई संस्कृतियां हैं तो इंग्लिश में बोलेंगे इंडिया हैज़ मैनी कल्चर्स। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रोग्राम, PROGRAME, प्रोग्राम। प्रोग्राम मीन्स होता है कार्यक्रम। समझते हैं एग्जाम्पल को, वो एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो इंग्लिश में बोलेंगे सी इज कंडक्टिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, सी इज कंडक्टिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन, TRANSFORMATION, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है परिवर्तन। चलिए पिक्चर को देखते हैं और समझते हैं, उसने अपने शरीर का परिवर्तन किया। यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि पहला तीन फोटो यहाँ दिखाया गया है, एक ही फोटो में तीन पिक्चर है, यानी कि पहला कैसा है, सेकंड कैसा है और थर्ड कैसा है, देखिए डिफरेंस किया है, यानी कि अपने शरीर को क्या किया, परिवर्तन किया। तो इंग्लिश में बोलेंगे उसने अपने शरीर को परिवर्तन किया, तो इंग्लिश में बोलेंगे ही डिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हिज बॉडी। क्या बोलेंगे? ही डिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हिज बॉडी। नेक्स्ट देखते हैं, सिविल, CIVIL, सिविल, CIVIL, सिविल। सिविल मीन्स होता है नागरिक। चलिए समझते हैं, पिक्चर को भी देखते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सिविल सिटीजन है, सिविल है, तो इंग्लिश में बोलेंगे वे एक नागरिक विरोध में है, वे एक नागरिक विरोध में है। इंग्लिश में बोलेंगे दे आर इन अ सिविल प्रोटेस्ट, दे आर इन अ सिविल प्रोटेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट। सेलेक्ट मीन्स चयन है, सेलेक्ट मीन्स चयन करना या चयन होता है। पिक्चर को देखते हैं, उसने उसे चुनने का फैसला किया, उसने उसे चुनने का फैसला किया, तो इंग्लिश में बोलेंगे ही डिसाइडेड टू सेलेक्ट हर, ही डिसाइडेड टू सेलेक्ट हर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, डेडिकेट, DEDICATE, डेडिकेट। डेडिकेट मीन्स होता है समर्पित करना। चलिए देखते हैं, पिक्चर को भी देखते हैं, समझते हैं। वे खुद को बुद्ध को समर्पित करते हैं, वे या वे लोग दोनों बोल सकते हैं, वे खुद को बुद्ध को समर्पित करते हैं, तो इंग्लिश बोलेंगे दे डेडिकेट देमसेल्व्स टू बुद्धा, दे डेडिकेट देमसेल्व्स टू बुद्धा। नेक्स्ट देखते हैं, अंडरगोइंग, UNDERGOING, अंडरगोइंग। अंडरगोइंग मीन्स होता है गुजरना। समझते हैं एग्जाम्पल, पिक्चर को देखते हैं, मरीज इलाज से गुजर रहा है, देखिए यहाँ पे एक मरीज पेशेंट सोया हुआ है, तो मरीज इलाज से गुजर रहा है, तो इंग्लिश में बोलेंगे द पेशेंट इज अंडर गोइंग ट्रीटमेंट। क्या बोलेंगे? द पेशेंट इज अंडर गोइंग ट्रीटमेंट। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और घंटी का बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिसमें हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।